समय मैं शास्तार के इलाके में हूँ आतंकवादियों ने घात लगाकर वायुसेना के काफिले पर हमला किया था जिसमें हमारा वायुसेना के एक जवान शहीद हो गया था और पांच के करीब जख्मी होते उसके बाद से यहां पे, पे राष्ट्रीय राइफल की यूनिट है है सीआरपीएफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की गई है बताया जाता है कि तीन पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करने के बाद इस जंगल में कहीं छुपे हुए हैं और जहां पर मैं भी आपको व्यूवर्स को दिखाना चाहूंगा कि ऑपरेशन क्यों इतना डिफिकल्ट और मुश्किल होता है पथरीला इलाका है इसपे चलना बहुत मुश्किल होता है और खास करके जब इस इलाके में आप देखेंगे कई सारी गुफाएं जिनमें आतंकवादी आतंकवादी अक्सर छुप छुप जाते हैं देखिए एक गुफा गुफा पे है जब गुफा में छुप जाएं तो कितना मुश्किल होता है सुरक्षा कर्मियों के लिए देखिए जंगल का इलाका इतना घना जंगल है कि यानी कि थोड़ी मीटर की दूरी पर आपको एक शख्स कोई नजर नहीं आ सकता आतंकवादी इन्हीं जंगलों में छुप जाते हैं यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करना इतना आसान नहीं है यहाँ पे चढ़ना और जब आपको जाना है आतंकवादी को ढूंढना है और पूरे इलाके को खंगालना है इस समय पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से घेराबंदी की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी जो आतंकवादी चूहे की तरह ऐसी किसी गुफा में छुपे हों, उनको वहां से निकाला जाए और शमशान पहुंचाया जाए, जाए। जहां एक और पिछले 36 घंटे से हमारे बहादुर जवान जंगलों को खंगालने में लगे हुए हैं ऑपरेशन राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं एक अपमानजनक स्टेटमेंट जो आई है पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की तरफ से उन्होंने जो ये एयरफोर्स की कॉन्वॉय पर अटैक हुआ है उसे स्टंट बताया उन्होंने अपमान किया है उस शहीद का जो इस अटैक में मारा गया यह पहली बार नहीं है जो कांग्रेस की तरफ ऐसी स्टेटमेंट आई है पहले भी भी कई ऐसे बयान हैं जब 2019 में पुलवामा बॉम्बिंग हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि ये वोट बटोरने के लिए ऐसा अटैक किया गया है लेकिन इन बहादुर जवानों को देखो किस तरीके से वो तैयार रहते हैं हमेशा सीने पर गोली खाने के लिए पिछले छत्तीस घंटे से बीस किलोमीटर के दायरे में जो एरिया है जड़ावली एरिया से लेकर आप देखिए शिंद्रा टॉप तक ऑपरेशन जारी है पूरी कोशिश है कि उन तीन आतंकवादियों को मार गिराया जाए जो कि इस अटैक में मुलविस थे बताया जाता है कि साजिश जग जो कि पाकिस्तान का लश्कर कमांडर है वो वहां से मास्टरमाइंड है और उसने ये साजिश रची थी साजिश इसलिए इस रची क्योंकि इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे वोटर टर्नआउट जो है बहुत ज्यादा हो अब वो चाहते नहीं है कि बाकी फेज़ में भी ऐसा वोटर टर्नआउट हो पाकिस्तान पूरी तरह से बोखला गया उसकी आतंकवादी भी पूरी बोखलाहाट में